लाइट साउंड कैमरा एक्शन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्नेही फैमिली। आज मेरा भाई फर्स्ट टाइम अपने करियर में वो चिकन बिरयानी बनाने वाला है। एक्चुअली चिकन करी तो उसने बहुत बार बनाया है, बट चिकन बिरयानी फर्स्ट टाइम। हेलो गाइस। हेलो बोला उन्होंने आपको, आपने सुना ना एकदम मीठी मीठी सुनहरी आवाज में। हेलो गाइस। मीठी आवाज तो नहीं है मेरी इसका मतलब कहना है कि मैं चिकन बिरयानी का तुम रेसिपी ले लो, मैं जैसा भी बनाओ, अब वो जैसा भी बनाए आप लोग एक्सेप्ट करना, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रहा है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है यार, मेरे को तो वो भी नहीं आता, कम से कम उसने ट्राई भी किया, मैं तो वो भी नहीं करती। तो इसका कहना है तुम रेसिपी का मतलब ले लो, बट मैं नहीं आना चाहिए कैमरे में, ठीक है? ये अभी इसने ऑयल डाला है, इसमें अनियन डाला है, एंड देन इसको सॉफ्ट कर रहा है, और फिर इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाला है इसने, एंड इसे पूरा मिक्स कर रहा है, मतलब सॉफ्ट कर रहा है। ओ गॉड, इस ऑयल का जो है ना वो डायरेक्ट आँख में आके लग रहा है। हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चलो ये रहा। हम लोगों ने कितना चिकन लिया? 1 kg। मतलब 1 kg चिकन हमने इसमें ऐड किया है। एक्चुअली हम यूट्यूब के हेल्प से बना रहे हैं, क्योंकि हम कभी बनाए नहीं है इस वजह से। मेरे भाई को है ना कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं तो कहती हूँ तू बड़े होके शेफ बन जाना। ये देखो, फिर हमें इसे पूरे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें चिकन बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, 5 चम्मच। फिर इसे हमें ब्राउन करना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, हमने 2 टमाटर चॉप किया है, क्योंकि एक्चुअली बहुत खाने को ये खट्टा टाइप कर देता है ना इस वजह से, इसलिए हमने थोड़ा। और फिर सारे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप देखो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है, कलर आने लगा है, आप देख सकते हो। ये देखो इधर हमारा टमाटर पूरा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे। कर्ड ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखो प्लीज, नाउ वी हैव टू ऐड सम कोरिएंडर लीव। और जब धनिया के पत्ते में इसे ऐड कर देंगे तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे अगेन। अब तो कोई भी मतलब मसाले डालने के बाद या कुछ भी डालने के बाद तो मिक्स करना ही है। ये हो गया तैयार आपका डिलीशियस चिकन बिरयानी। बनने में टाइम है, अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आधा मतलब कंप्लीट हुआ है, हाफ अभी बाकी है। अब हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। एक्चुअली एक हमारा चिली नीचे गिर गया, इस वजह से हमें हंसी आ गई। ये देखो यमी यमी, पता है इस टाइप का चिकन आपको रोटी में भी खाने में बड़ा यमी लगता है। लेकिन आप, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आप लोग खा नहीं पाएंगे आप लोगों को खुद से बनाना पड़ेगा या ऑफकोर्स आप लोग अपने घर पे ट्राई करना, क्योंकि स्मेल बाय गॉड बड़ी मतलब अच्छी वाली आ रही है। बहुत मतलब एक होता है ना एट्रैक्टिव स्मेल, ऐसा ही वाला आ रहा है। अलग से हम लोग एक बर्तन में पानी बॉईल करेंगे चावल के लिए। इसमें हम लौंग, इलायची एंड दालचीनी ऐड कर रहे हैं। ये देखो अब हम इसमें सह जीरा यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास वो है नहीं, तो हम नॉर्मल जीरा जो होता है वो यूज़ कर रहे हैं, 1 teaspoon।
एक चम्मच के लगभग हमने इसमें डाला है। नाउ हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। ज्यादा नहीं होगा? नहीं नहीं करने दो, कम को ज्यादा कर सकते हैं, बट ज्यादा को कम कैसे करेंगे? कम होगा तो ऊपर से भी ले सकते हैं, बट कम ज्यादा को कैसे करेंगे? इसे मत डालो। और इधर हमारा चिकन और भी अच्छी तरह पक रहा है, ये देखो आप देख सकते हो धीरे धीरे इसमें कलर आ रहा है। एंड नाउ इसे 20 मिनट के लिए हम ढकेंगे, मतलब कवर कर देंगे एकदम धीमी आंच पे, जैसा कि उन्होंने बोला है धीमी आंच पे इसे कवर कर देंगे 20 मिनट्स के लिए। और बस बीच बीच में आप देखते रहना सही है, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप 20 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दो और वो जल जाए, इसे बीच बीच में आप इसे देखते रहना। ये देखिए पानी में भी कलर आ गया है। नाउ अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से चावल ऐड कर सकते हो, जितना मतलब आपके घर में इंसान है जिस तरह खाने वाले इस तरह आप ऐड करोगे। और हमने इसमें चावल ऐड कर दिया, फिर हम इसे भी कवर कर देंगे। हमारा चावल रेडी हो गया है, अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन पूरी तरह हमने इसमें डाल दिया, अब हम इसके ऊपर से फिर राइस डालेंगे। अभी राइस से पूरी तरह इसको कवर करेंगे, तो फिर हमें 7 से 8 मिनट के लिए इसे पकने देना है। और हमने इसे पूरी तरह मतलब कवर कर दिया है, मतलब अंदर में हमने पहले चावल डाला, फिर ऊपर से चिकन, फिर देन हमने ये चावल, और अब इसे कवर कर देना है 7-8 मिनट के लिए इसे पकने देना है। अब ये हो गया, अब हम इसे मिक्स करेंगे। और इधर हमारा सैलेड भी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट बोलती हूँ मतलब रेडी हो गया, सॉरी एक्चुअली इतना कंप्लीट क्यों ना, मुंह में कंप्लीट ही रहता है। और ये हमारा चिकन बिरयानी कंप्लीट हो गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है अब तो वो में। और अभी ऋषिक ने टेस्ट भी किया, बोला बहुत यमी बना है, बहुत ज़्यादा ही। तो गाइज अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। इस रेसिपी को अपने घर पे आप ट्राई करें, बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी बना है, नो डाउट। ठीक है गाइज, तो मैं तो जा रही हूँ अपने चिकन बिरयानी को इंजॉय करने, जाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।